दीदी क्या हुआ, आप अचानक से इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों को हाथ लगाया, जैसे किसी ने मुझे याद किया। नहीं दीदी, ये आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शांत हो जाइए दीदी। शांत रहिए दीदी। ये तो वही आंख है। क्या मतलब है तुम्हारा सितारा? किसकी आंखें हैं ये? कहां देखा है तुमने इन आंखों को? मेरा यकीन मानिए राजगुरु, मुझे नहीं पता ये आंखें किसकी हैं। ये आंखें अक्सर मुझे सपनों में दिखाई देती हैं, और जब चित्र बनाने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की तो ये आंखें मुझे नजर आई, और मेरे हाथों से अपने आप ये चित्र बन गया। कुलदीप से बात करने का कोई फायदा नहीं। इस महल में ऐसा कुछ तो घटित हो रहा है जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब इस गुत्थी को हमें ही सुलझाना होगा। बाबा। सितारा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? इतनी घबराई हुई क्यों है? बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। बाबा, मैं वो नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं मैंने वो क्यों कर दिया। हुआ क्या है? साफ साफ बता दो। बाबा, आज राजगुरु ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और माँ का चित्र बनाने कहा। मैं माँ का चित्र बना रही थी, पर पता नहीं कैसे मैंने उन आंखों का चित्र बनाया जो मुझे रोज सपने में दिखती है। क्यों बाबा, क्यों बाबा? माँ की तस्वीर बनाते बनाते मैंने वो आंखें क्यों बनाई? आज तक वो आंखें मुझे सिर्फ सपनों में दिखाई देती थी बाबा, पर आज मैंने उसका चित्र बना दिया। क्यों बाबा, क्यों? तू इतना सोचती है उसके बारे में, और जिस बारे में हम सोचते हैं ना, दिमाग हमें वही दिखाता है। चित्र की फिक्र मत कर, तू तेरे दिमाग का वहम है बेटा, और कुछ नहीं है। इधर आ। सितारा, मुझे अपनी परवरिश और तुझ पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि तू सही राह छोड़कर गलत राह पर कभी नहीं जाएगी, और मेरे यही संस्कार ना तेरी ताकत बनकर तुझे हर बुराई से बचाएंगे। कोई भी बुरा साया तुझे छू तक नहीं पाएगा। हाँ बेटा, सितारा तू अपने बाबा का भरोसा कभी टूटने नहीं देगी ना। कोई कुछ भी कहे, कितना भी अपनी बातों के भ्रम में तुझे उलझाए, पर तू मेरी परवरिश और मेरे संस्कारों पर उंगली नहीं उठने देगी ना। नहीं बाबा, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। तो एक वादा कर मुझसे, आज के बाद उस सपने और उन आंखों के बारे में कभी नहीं सोचेगी। वादा कर अपने बाबा से। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, मैं उनके बारे में कभी नहीं सोचूंगी। ये हुई ना मेरी सितारा वाली बात। क्यों किया राजगुरु ने ऐसा? माँ का चित्र बनवाया सितारा से, कहीं इन सब बातों की वजह से सितारा को अपने अतीत का सच ना पता चल जाए। सेनापति जी, सितारा जी को महारानी ने महल में बुलाया। जी आप चलिए बाबा, मैं आती हूँ। ठीक है, खुश खुश जा बेटा। एक तरफ बाप का फर्ज है और दूसरी तरफ
महल के प्रति मेरा कर्तव्य है। दोनों में से किसी एक को चुनना मेरे लिए नामुमकिन है। क्या करूं? ना तो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ सकता हूं और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट सकता हूं। क्या करूं मैं? राजगुरु से वादा कर दिया है कि कुंवरसा की रक्षा करूंगा, पर इन सब में अगर सालों पुराना वो राज सितारा के सामने आ गया तो क्या होगा? क्या? Oh, that's nice. See, this is such a beautiful picture. Okay. और उसी के साथ हमारी एंगेजमेंट की न्यूज़ भी आउट हो जाएगी। परफेक्ट। ओके विराज, प्रोफाइल पिक्चर में आपके साथ लगाना चाहती हूँ। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक। यू विल क्लिक? या। ओके। अरे मेरे गुब्बारे रुक नहीं रहे, उड़ रहे हैं। किससे बांधूं इसे? अरे ये फोन। बाबा सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ इस बारे में। अपना दिमाग कहीं और लगाती हूँ, अपने आप ये बात भूल जाऊंगी। चुटकी, किसका फोन है तेरे हाथ में? दे, दे। मित्रा, मुझे लगता है बहुत पिक्चर्स हो गए हैं, अब बस। करेक्ट, सो मैं इसे एडिट करके आती हूँ। ऑलराइट, ओके, दैट्स इट। इसमें फोन फोन कहाँ गया? माय फोन सितारा, वो मेरा फोन है। जी कुंवर साह। चुटकी, तुझे भी कुंवर साह का ही फोन मिला था खेलने के लिए, क्या कर दिया तूने? सॉरी, वो निशाना आपके लिए नहीं था, वो तो चुप करो तुम लोग, मैं आपका फोन लेकर आती हूँ। What are you doing? लेकर आती हूँ। सितारा, पानी। मेरी आंखें। सितारा, एक मिनट। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये लो पानी, पानी। ठीक हो जाएगा सितारा। आंखें बहुत जल रही है कुंवर साहब। सितारा, वेट वेट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। विराज, एक मिनट आइए ना। या सॉरी दीदी। अरे तुम दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? थोड़ी गलती तुम्हारी थी, थोड़ी गलती मेरी थी, और मैं कोई महारानी थोड़ी हूँ जो तुम लोग मुझे सॉरी बोल रहे हो।
हद, मैं तो भूल ही गई, रानी सा ने मुझे बुलाया था। ओह सेनापति जी, राजगुरु इस वक्त ध्यान में, उन्होंने किसी को भी अंदर भेजने से मना किया। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। दीजिए। हम जानते थे कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगे कुलदीप, लेकिन अब हम पूरा सच जानने के बाद ही आपसे मिलेंगे। कहाँ रह गया ये मरोज, तक आया क्यों नहीं? मेहंदी लगी क्या पैरों में? जल्दी चल। अरे छोटे सरकार, थोड़ा सबर करना सीखिए, बस लेके आ रहा हूँ। बकवास बंद कर, अब जल्दी लेके आओ उसे। हाँ, दो मिनट में पहुंच रहा हूँ सरकार। अच्छा सुन, पीछे वाले रास्ते से आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बस दो मिनट। ठीक है। अरे कहाँ चली गई है? छोटे सरकार को पता चल गया कि लड़की गायब हो गई तो जान ले लेंगे हमारी। अब इतने बड़े महल में कहाँ ढूंढूं इसे? अरे चंदा चंदा, कहाँ खो गई तू? चंदा को आवाज क्यों दे रही है? बाबा, मैंने मैंने चंदा को देखा था, वो घूंघट में थी, पर पता नहीं अंधेरे में कहाँ गायब हो गए। मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, वो मेरी सहेली चंदा ही थी, कई दिनों से गायब थी वो। सितारा, are you sure वो चंदा थी? भैया, अभी अभी इसने कहा ना कि वो घूंघट में थी, तो कैसे श्योर हो सकती है कि वो चंदा थी? कोई और भी तो हो सकती है। क्योंकि उसने वो कड़ा पहना था जो मैंने उसे दिया था। कोई खास कड़ा था क्या? तुमने अपनी चंदा के स्पेशल बनवाया था? नहीं ना,
तो फिर वो कड़ा किसी और के पास भी तो हो सकता है, isn't it? Obviously. सितारा, वैसे भी इतना बड़ा महल है, इतने सारे गार्ड्स हैं, तो मैं लगता है कि कोई इस महल में ऐसे ही घुस जाएगा और गायब हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा. ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सितारा की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ. अरे, इस गलतफहमी के लिए हमें माफ कर दीजिएगा. सितारा, चलो यहाँ से. अपनी हदें पार नहीं कर सकते सितारा. आप तो मेरा यकीन कीजिए बाबा, मैंने चंदा को खुद अपनी आंखों से देखा है, पर पता नहीं वो अंधेरे में कहां गायब हो गए. काश मैं उसे पहले देख लेती तो उसे बचाकर सबके सामने अपना सच साबित कर देती. देख, मैं जानता हूं चंदा तेरे बहुत करीब थी और उसके गायब होने का सदमा तू आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाई है, पर चंदा वहां नहीं थी. अगर होती तो ऐसे ही गायब नहीं हो जाती. और सितारा, ये कोई साधारण हवेली नहीं है. मैं नहीं चाहता कि तू किसी मुसीबत में फंस जाए. साधारण हवेली नहीं है मतलब? मतलब हर चीज का मतलब नहीं होता. सुन ले मेरी बात, मैं चाहता हूं कि तू सुरक्षित रहे, बस. मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाबा, पर मुझे चंदा की भी फिक्र है. कोई मेरी बात का यकीन करे या ना करे, पर मुझे पता है कि चंदा वहीं थी और अभी भी वो यहीं कहीं है. हदें तेरी सम्राट, या मुझे रात भर नींद नहीं आई है और तू यहाँ इतने आराम से वर्कआउट कर रहा है. हाउ कैन यू बी सो रिलैक्स्ड यार? तो तू भी रिलैक्स करना, किसी ने मना किया तुझे? तू पागल है? पहले इस सितारा का कुछ सोच, वरना अगर उसको हमारा सच पता. हमारा सच सिर्फ हम तक रहेगा, समझा? यार कल तक मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन चंदा को देखने के बाद सितारा उसे ढूंढने के लिए अपनी जान लगा देगी, और इस चक्कर में अगर वो हम तक पहुंच गई तो उसे पता चल जाएगा कि हम लड़कियों को अपने मजे के लिए किडनैप करते हैं. फिर तुझे पता है क्या होगा? आर्यन, आर्यन, आर्यन. जब तक काली बावड़ी है ना, तब तक हमारा राज राज ही रहेगा. हम इश्कन्याओं के नाम पे लड़कियां उठाते रहेंगे और उनको यूज करते रहेंगे. पर सितारा, रिलैक्स, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया. बहुत उछल रही थी ना सितारा उसमें चंदा के इस कड़े को लेके. अब चंदा का ये कड़ा ही उसकी खोज को खत्म करेगा. कैसे पता लगाऊं कि चंदा कहां है? कोई है, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे. चंदा, चंदा का झुमका.